हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई एम अर्चना। सो टुडे इज माय टॉपिक इज CHS। तो आज मैं आप लोगों को CHS के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगी। मैंने 6 महीने पहले एक वीडियो अपलोड की थी अपने यूट्यूब चैनल पे। 11th क्लास का फर्स्ट डे था वो मेरा। तो उनमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर करके पूछा था, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो मैं वो क्वेश्चंस धीरे धीरे आपको बताऊंगी। और मेरा एडमिशन CHS में 11th क्लास में नहीं हुआ है, 9th क्लास से हुआ है। बस मैंने 9th क्लास का नहीं डाला था क्योंकि मैं उस टाइम यूट्यूब चैनल पे वीडियोस नहीं डालती थी। तो मैं 11th में आई तो मैं उस पर वीडियोज़ वगैरह डालती थी, तो मैंने अपना 11th क्लास का फर्स्ट डे का डाल दिया। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मैं 11th क्लास में आई हूँ, तो लोग पूछते हैं मुझसे 11th क्लास में कैसे इंटर्स दे के अपना एडमिशन ले। तो मैंने पहले क्लियर कर दिया कि मैं क्लास 9th में आई हूँ, और अब मैं 12th में चली गई हूँ, तो मेरा लास्ट ईयर है इस स्कूल में। जुकाम हुआ है मेरे को, इसलिए मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ। हाँ तो पहले हमारा जो CHS है, अब बहुत सारी बातें हो गई, अब हम चलते हैं मेन मुद्दे पे, मतलब CHS के बारे में। तो जो हमारा CHS है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, इसको रख देती हूँ पहले। एक है CHGS और एक है CSBS। CHGS मतलब सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, और CSBS मतलब सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल। गर्ल्स और बॉयज दोनों अलग अलग है, और वो भी स्कूल में ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा डिस्टेंस पे है, बहुत ज़्यादा नहीं। और हाँ, मैंने बता दिया कि गर्ल्स अलग है, बॉयज अलग है। उसके बाद हम आते हैं अपने हॉस्टल पे। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था क्या हॉस्टल है, तो मैं बता दूँ गर्ल्स का गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं है, बॉयज़ का गवर्नमेंट हॉस्टल है। गर्ल्स का नहीं है वो, पता नहीं क्यों नहीं है, होना चाहिए था ऐसा मेरे हिसाब से, जहाँ मुझे लगता होना चाहिए था। अब नहीं है तो गर्ल्स अपना PG में रहती है, या फिर रूम रेंट पे लेके अपना खाना खुद बनाती हैं, या फिर वो खाना बाहर से लगवा लेती हैं। PG मतलब प्राइवेट हॉस्टल, जैसे कि मैं रहती हूँ प्राइवेट हॉस्टल में। और अपने एरिया में, मतलब जहाँ अपना स्कूल है कमच्छा एरिया में, उधर के एरिया में आसपास में सिगरा आता है, सिद्धगिरी बाग आता है, कमच्छा आता है, एक वो आता है गुदौलिया मार्केट भी, मतलब थोड़ा थोड़ा पास में है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो उस एरिया में आपको प्राइवेट हॉस्टल बहुत सारे मिल जाएंगे गर्ल्स के लिए, और तो आप उसमें रह सकते हैं। और उसके बाद हमारा आता है बॉयज़ हॉस्टल। तो बॉयज़ हॉस्टल का जो है, तो वो गवर्नमेंट हॉस्टल है, बॉयज़ के लिए है, लेकिन जिसके अच्छे खासे मार्क्स आते हैं उन्हीं को हॉस्टल अलॉट होता है, सारे बच्चों को हॉस्टल अलॉट नहीं होता है। तो उनमें भी जिसको नहीं होता है वो रूम लेके रहे या फिर PG में रहे। जुकाम की वजह से मैं परेशान हूँ, बट कोई ना, आज डाल ही देती हूँ एक वीडियो। इसके बाद हाँ भूल जा रही हूँ, कोई ना, पहली बार ऐसे वीडियो बना रही हूँ फ्रंट कैमरा करके, टोटल शुरू से लेके लास्ट तक। तो उसके बाद हमारा आता है काउंसलिंग का डेट। तो आपका काउंसलिंग, आपके जीमेल पे नोटिफिकेशन जाएगा और आपके नंबर पे मैसेज जाएगा, तो आपको एक डेट दी जाएगी और आपको टाइम भी दी जाएगी। आपको उस टाइम पे आपको स्कूल में जाना है, उसके पहले ही पहुँचे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि 10 बजे का टाइम दिया है, तो आप 9:30 बजे पहुंच जाओ वहाँ पे, और बाहर लिस्ट रहती है तो वहाँ पे देख लो कुछ भी, जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा। और हाँ, आपको मैसेज भी आ जाएगा कि आप पैसा और अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह कितना फी लेके जाना है, वो भी लेके जाइएगा आप साथ में डॉक्यूमेंट्स भी। और जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके जीरोक्स निकलवा लीजिएगा, 2-2, 3-3 निकलवा लीजिएगा, क्योंकि उधर में फोटोकॉपी का शॉप नहीं है, है मतलब, लेकिन जब मैं गई थी तो मुझे भी नहीं दिखा था, मुझे बहुत 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 ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। और अपने पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आप ले जाइएगा, जितनी बोली जाए उससे एक्स्ट्रा चीज़ें आप लेके जाइएगा। और आपके डॉक्यूमेंट्स में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, पूरा प्रॉपर आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाए तो आप ज़रूर जाइए, ऐसा नहीं है कि मेरा वेटिंग में है तो नहीं होगा, क्या पता आपके आगे वाले बच्चे ना आए तो उसके जगह आपको सीट मिल जाए, तो आप जाइएगा काउंसलिंग वाले दिन। काउंसलिंग हो जाएगा, फ़ी भी जमा हो जाएगा, उसके बाद आपकी TC मांगी जाएगी। तो आप कुछ बच्चे अपना एडमिशन करवा लिए होंगे कुछ स्कूल में, क्या पता इसमें हो या ना हो, उसमें भी जाएंगे, जैसे कि मैंने भी अपना स्कूल में एडमिशन करवा लिया था, तो फिर मेरा फ़ी वगैरह भी पूरा वेस्ट हुआ, जहाँ घर के साइड मेरा एडमिशन हो गया था। बट कोई ना, उसके बाद जब मेरा एडमिशन हो गया तो उसके बाद वहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा कि इस डेट के बीच में आप अपना TC ला के सबमिट कर सकते हैं, तो आप फिर अपने घर जाइए, अपने TC ला के सबमिट कर दीजिए। और TC और उसके बाद कुछ हॉस्टल के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे होते हैं हॉस्टल। हॉस्टल में पहली बार आपको फ़ोन अलाउ है,
सारे बच्चों का फोन अलाउ है, क्योंकि आपके पास फोन नहीं रहेगा तो आप अपने पेरेंट्स से कैसे बात करेंगे, और स्कूल के कुछ ग्रुप्स होते हैं तो आपके पास फोन नहीं रहेगा तो आप ग्रुप में कैसे ऐड होंगे, तो वो ग्रुप भी आपको चाहिए मतलब पढ़ने के लिए, तो आपके पास फोन होना चाहिए। और कुछ कुछ हॉस्टल में आपको वाईफाई भी प्रोवाइड होती है, कुछ कुछ हॉस्टल में, सारे हॉस्टल की बात मैं नहीं कर रही हूँ। और हाँ, हॉस्टल भी होता है, 1 सीटर होता है, 2 सीटर होता है, 3 सीटर होता है, 4 सीटर होता है, मैक्सिमम 5 सीटर तक होता है जहाँ तक मुझे पता है। तो आपको जो सीटर अच्छा लगे आप उसमें रह सकते हो, जैसे कि 1 सीटर का फीस ज़्यादा रहेगा, 2 सीटर का उससे थोड़ा कम रहेगा, 3 सीटर का उससे भी कम रहेगा, ऐसे आप जितने सीटर आगे बढ़ोगे आपकी फीस उतनी कम होती जाएगी। और हॉस्टल आप चाहो कि पास एकदम स्कूल के बगल में मिल जाए तो ऐसा नहीं, थोड़ा सा दूर मिलेगा ही आपको, थोड़ा सा जितना आप आ जा सकते हैं स्कूल डेली क्लासेस के लिए। और गवर्नमेंट स्कूल है तो आपको अटेंडेंस भी पूरी चाहिए रहती है, तो आपको रेगुलर क्लासेस भी करनी पड़ेगी। जैसे कि कुछ लोग होते हैं सोचते हैं कि मेरा क्लासेस है, मैं क्लासेस नहीं जाऊँगी, मेरी अटेंडेंस लग जाएगी, मैं कोचिंग के भरोसे बैठी रहूँगी तो मेरा सब कुछ हो जाएगा, तो नहीं, आप स्कूल में जाओ, भले आप पढ़ो नहीं, कुछ भी ना करो, लेकिन टीचर के सामने आपकी अटेंडेंस पूरी चाहिए, उनको कुछ नहीं। और हाँ, कुछ लोगों ने बोला था कि क्या स्कूल में फ़ोन अलाउ है, तो स्कूल में फ़ोन अलाउ नहीं है, बट कुछ बच्चे फ़ोन ले जाते हैं जिनको स्कूल से डायरेक्ट कोचिंग जाना होता है, तो उनको तो फ़ोन चाहिए ना, तो वो फ़ोन लाते हैं, अपने क्लास टीचर को सबमिट कर देते हैं, देन छुट्टी के टाइम वो अपने क्लास टीचर से अपना फ़ोन ले लेते हैं। और कुछ बच्चे वो भी लेके जाते हैं जिनके हॉस्टल में लॉकअप नहीं होता है, तो वो भी अपना फ़ोन लेके जाते हैं। और हॉस्टल में सुबह आपको नाश्ता मिलेगा, और फिर आप स्कूल से आएंगे तो आपको खाना मिलेगा दोपहर का, उसके बाद आपको इवनिंग में नाश्ता मिल जाएगा, फिर नाइट का आपको डिनर मिल जाएगा। और कुछ बच्चों ने ये भी कमेंट किया था कि लंच मिलता है क्या हॉस्टल में, कुछ कुछ हॉस्टल में आपको अलग से लंच मिलेगा नाश्ता करने के बाद, बट सारे हॉस्टल में ऐसा नहीं है कि आपको नाश्ता आप कर लिए और उसके बाद आपको अलग से लंच मिला, नहीं, आपको जैसे एज अ एग्जाम्पल आपको 4 पराठा मिला है और सब्जी मिली है, तो आप 2 पराठा खा सकते हैं और 2 पराठा आप अपने लंच बॉक्स में ले जाके अपने स्कूल में खा सकते हैं। और एक बात ये भी है कि हमारे स्कूल में कैंटीन भी है जहाँ पे आपको चाट मिलता है, छोले चाट, समोसे चाट, हाँ समोसे चाट मिलते हैं, पास्ता मिलता है, चाउमीन भी मिल जाता है कभी कभी आंटी आलू कचालू भी बना देती हैं बोलने पे, और समोसे मिलते हैं, और चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, ये सब तो मिलते ही हैं, और आपको कैन वगैरह भी मिल जाता है वहाँ पे स्कूल में ही। और हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, वहाँ पे पढ़ाई बहुत होती है, इसका वैल्यू भी है बहुत ज़्यादा, तभी तो बच्चे परेशान रहते कि हमारा CHS में एडमिशन हो जाए, हमारा CHS में एडमिशन हो जाए। और सारा कुछ सब बहुत अच्छा है, हमारी वाइस प्रिंसिपल मैम भी बहुत अच्छी हैं, प्रिंसिपल मैम बहुत अच्छी हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में हमारी प्रिंसिपल मैम मिसेस अंजलि वाजपेयी मैम है, और वो वाइस प्रिंसिपल हमारी डॉक्टर रश्मि मैम है, दोनों ही टीचर बहुत अच्छी हैं। और क्या बताना है, हाँ, हमारे स्कूल में कंप्यूटर लैब भी है, लाइब्रेरी भी है, लाइब्रेरी का आपका कार्ड बनता है, और फिजिक्स लैब भी है, केमिस्ट्री लैब भी है, बायो लैब भी है, ग्राउंड भी है आपको खेलने के लिए, स्पोर्ट्स के भी स्टूडेंट्स होते हैं, खेलते वेलते हैं, बहुत सारा है कुछ। और कोई भी अगर फेस्टिवल होता है तो काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है हमारे स्कूल में, ये तो सबसे अच्छी बड़ी बात है और क्या बताऊँ आप लोगों को। हाँ चलिए, अब लास्ट बात आती है कि कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि दीदी मैं 11th के एंट्रेंस के लिए क्या पढ़ूँ, तो मोस्टली ज़्यादातर बच्चों ने मुझे 11th क्लास के बच्चों ने कमेंट्स किए थे, कॉमर्स के ज़्यादातर बायो के ही बच्चे मुझे दिखे हैं उसमें, बायो और मैथ्स के 1-2 रहे होंगे तो। और हाँ, कुछ बच्चों ने ये भी कमेंट किया था कि दीदी आप कौन से स्ट्रीम से हैं, तो मैं बायो के स्ट्रीम से हूँ, मेरा बायो है, और मेरा ऑप्शनल में वोकल है, इंग्लिश कोर है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, बस इतने ही सब्जेक्ट है मेरे, इतने ही बहुत ज़्यादा लगते हैं बोलने को, है इतना ही है उसके बाद हाँ तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि मुझे क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो पहली बात आप तो पिछले 10 ईयर्स के PYQ सॉल्व कर लीजिए, MCQ टाइप के, तो आपके हो जाएंगे, CHS के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप लगा लीजिए जो पिछले ईयर्स आ चुके हैं एग्जाम में, और आप एक गाइड बुक ले सकते हैं अरिहंत की, आप ले लीजिए, सारे स्ट्रीम की मिलती होगी जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मेरे टाइम में तो 9th था तो उसमें कोई स्ट्रीम डिवाइड नहीं था, तो एक ही बुक आती थी, CHS एंट्रेंस एग्जाम बुक बोलने पे वो मिल जाती थी। अब 11th के लिए शायद बायो और मैथ्स और कॉमर्स और आर्ट्स के लिए अलग अलग स्ट्रीम की अलग अलग बुक होगी, वो आप जाके शॉप पे खुद बताएंगे कि मुझे CHS के लिए चाहिए तो आपको प्रोवाइड करा देंगे, या फिर आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं,
फ्लिपकार्ट, अमेजोन, काफी सारी वेबसाइट्स हैं, तो आप उससे ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए। अब तो जहां तक मुझे लगता है बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, 26 मई को 9th क्लास का पेपर है और 27, 28, 29 मई को 3 दिन लगातार हमारे 11th क्लास के बच्चों का चलेगा इंट्रेंस एग्जाम। 9th 11th का इंट्रेंस एग्जाम होगा, लेकिन 6th क्लास के बच्चों का लॉटरी बेस होगा। और मैं कमेंट्स भी पढ़ के बता दूंगी आपको, और कमेंट्स भी साइड में लगा दूंगी जिन बच्चों ने कमेंट्स किए थे। और मुझे काफी ज्यादा खुशी है कि मेरे उस वीडियो पे आप लोगों ने 2.3K व्यूज गया है। माय गॉड, इतनी ज्यादा व्यूज तो शायद ही मेरी किसी लॉन्ग वीडियो पे गई होगी। व्लॉगिंग में शॉर्ट्स पे चली जाती है, लेकिन व्लॉग में इतना ज्यादा हो गया। फेयरवेल की मेरी एक वीडियो है, उस पर 1K व्यूज गया है। तो थैंक यू सो मच माय सब्सक्राइबर। तो मैं आप लोगों को वो कमेंट्स पढ़ के बता देती हूँ कि किन किन बच्चों ने क्या क्या कमेंट्स किए थे। वैसे मैंने सारा कुछ आपको बता ही दिया है। हाँ, कुछ बच्चों ने ये भी कमेंट किया था, क्या दीदी यहाँ पे अदर स्कूल से मतलब दूसरे टाइप की पढ़ाई होती है क्या? नॉर्मल पढ़ाई नहीं होती भाई, नॉर्मल पढ़ाई ही होती है, क्योंकि सीबीएसई का एक ही पेपर बनता है, सारे बच्चे वही पेपर देते हैं, अलग नहीं देते हैं। और हाँ, कुछ बच्चों ने ये भी कमेंट किया था कि दीदी हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है? तो दोनों है, टीचर तो नॉर्मली पढ़ाता है, लेकिन वो आप डिसाइड कर सकते हैं आपको हिंदी में देना है पेपर या इंग्लिश भी देना है, वो आपको कोई फोर्स नहीं करेगा। आपको जैसे देना है आप वैसे पेपर दे सकते हैं। तो मैंने अपनी वीडियो ओपन कर ली है, जिसमें कमेंट्स में पढ़ देती हूँ। अभी एक दिन पहले कमेंट्स आया है, दीदी आप लोगों की छुट्टी कब कब मिलती है घर जाने के लिए? कोई भी फेस्टिवल होता है तो आपको छुट्टी मिलती है घर जाने के लिए, और अगर आपकी तबीयत बहुत खराब है तो आप एप्लीकेशन दे के आप जा सकते हैं, प्लस आप मेडिकल दे दीजिए तो वो सही रहेगा। मैं सारे क्वेश्चंस पढ़ देती हूँ। कमेंट किया है दीदी, विल यू ट्राई मेक अ वीडियो ऑफ योर हॉस्टल? अभी तो मैं घर हूँ, जब मैं हॉस्टल जाऊँगी तो मैं वीडियो बना दूंगी। स्कूल में फ़ोन अलाउ है? मैंने बता दिया अभी नहीं है। कितने मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं 11th एंट्रेंस में सीएचएस के लिए? वो तो सीट और बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है, कितने बच्चे हैं और कितनी सीट है, तो उस हिसाब से मेरिट जाता है। उसमें कुछ फिक्स नहीं रहता है, हर साल की फिक्स है इतना नहीं। हॉस्टल से बाहर जाने का अलाउ रहता है? हाँ, ये एक क्वेश्चन तो बहुत लोगों का रहता है, क्या हॉस्टल से बाहर जाने का अलाउ रहता है? यानी तो हाँ, आपको हॉस्टल से बाहर जाने का अलाउ रहता है। आप जब भी जाइए तो अपने वहाँ पे बाहर एक डायरी रहती है, उस पर लिख दीजिए आप कितने बजे आ रहे हो, फिर कितने बजे आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। और अगर ज़्यादा टाइम लेना है आपको तो अपने पेरेंट्स से, आपके हॉस्टल के वार्डन से बात करा दीजिए, तो फिर आपको अलाउ है। अरे जाने को मिलता है, कोई नहीं, इतना चिंता मत करो, गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं है। हाँ, तो किसी ने कहा कि बुक बताइए, बता दिया आर्यन की साइड बुक ले लीजिए। हॉस्टल का फी कितने हैं दी फॉर 1 ईयर्स, प्लीज टेल मी? 1 ईयर्स का नहीं लगता आपका, हर मंथली लगता है, जो कि स्टार्टिंग है 5,000 से लेकर 7,000 के बीच में। मेरे यहाँ बोर्ड हुए थे, अब यहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी ने कमेंट किया है, अच्छी बात है, ले लीजिए। प्रिपरेशन करें कैसे करें 10 दिन बाद एग्जाम में? कैसे हम बताएं कैसे करना है? पढ़ाई करिए और क्या, एमसीक्यू सॉल्व करो, मुझे एक डाउट क्लियर कर दो। मैंने बहुत सुना है कि क्लासेस ढंग से नहीं होती है, ये सही बात है? स्कूल अच्छा है ना? प्लीज़ टेल मी, क्लास एक्चुअली दूसरे स्कूल से अलग होती है या नॉर्मल जैसे? अरे क्या अलग कैसे होगी, नॉर्मल ही होती है। जो हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए फ़ोन अलाउ है? हाँ है। हेलो दी, आप किस स्ट्रीम से पायो? क्लासेस हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में? दोनों है, आपको जिसमें लेना है। इंट्रेंस 11th का निकालने के लिए कैसे पढ़े, जैसे पढ़ा जाता है? हेलो दी, क्लास 9 सीएचएस में एनसीईआरटी बुक्स लगती है? क्लास 9th में नहीं, वहाँ पे जितने क्लास है शुरू से लेकर क्लास 12th तक आपको एनसीईआरटी ही लगती है। हॉस्टल अलॉट होता है या नहीं? बॉयज़ में होता है, गर्ल्स में नहीं होता है। आप लोग कहाँ रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं? आपका हॉस्टल फ़ी कितना है? मेरा 6,000 है, मेरा 3 सीटर है। हाँ, अभी तो मैं घर आ गई हूँ छोड़ के। यहाँ पर पढ़ाई कैसी होती है? अच्छी होती है पढ़ाई। सो मैंने इतने सारे कमेंट्स पढ़े हैं, तो मैं सारे कमेंट्स इसके साइड में लगा दूँगी। और मैं क्या ही बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और मेरे वीडियो से किसी को कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है तो ये बहुत 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 अच्छी बात है। तो जितना भी डाउट्स था मैंने सबका डाउट्स क्लियर कर दिया। अभी अगर कुछ रह गया होगा तो आप कमेंट्स कर देना, मैं कमेंट्स में आपको बता दूंगी। लेकिन हाँ, फालतू के मैसेजेस नहीं, एक ही क्वेश्चन बार बार जो मैं इसमें बता चुकी हूँ आप ध्यान से अच्छे से सुनिएगा, ठीक है? सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।